शुरुआत करेंगे अब तक की छह बड़ी खबरों के साथ। छह तस्वीरें होंगी और होंगी छह खबरें। पहली खबर, आरसीईपी में शामिल नहीं होगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की चिंताओं को लेकर दृढ़ निश्चय किया है और घरेलू हितों को लेकर यह समझौता नहीं करने का फैसला किया गया। दूसरी खबर, एनसीपी चीफ शरद पवार ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हमारे पास संख्या बल नहीं है। तीसरी खबर, आज दिल्ली की सड़कों पर वकीलों की गुंडागर्दी दिखी है, जिसे चाहा वकीलों ने बेरहमी से पीटा है। चौथी खबर, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, कुछ सवाल पूछे हैं। पांचवी खबर, करतारपुर कॉरिडोर 9 नवंबर को खुलेगा, तैयारियां शुरू हो गई हैं। और छठी खबर है, देश की राजधानी दिल्ली से जहां पर पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस के दफ्तर के बाहर हवाई फायरिंग हुई है, गोली चली है और पूछे जाने पर आरोपी ने बताया कि सांसद समय देकर भी मिलते नहीं हैं।